ये क्या कर रहा है तू? कर्नल को देख रहा हूँ। अच्छा देखेगा तू? देखा ले, मुठ मार लिए भाई, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। इसका मतलब है ये कैसे बनी? हमने तो कभी मारे ही नहीं। Fuck man, how can you survive without having sex? Masturbation एक healthy habit है। इसलिए मैं सुरेश को recommend करती हूँ कि तुम दिन में एक बार तो जरूरी masturbate करना। दिन रात यही चीजें चल रही है दिमाग के अंदर, कौन सी नई पॉन आने वाली है, कौन सी नई कैटेगरी की देखेंगे, कब रात होगी। शर्म करो, भगवान से डरो। तो भाई क्या हाल चाल है सबके? आई होप आप सभी बढ़िया है, लाइफ में मजे कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और जो भी मैं कहूँगा ऑब्वियसली वो साइंस बेस्ड भी होगा और लॉजिकल भी होगा। और इसके अलावा आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन महान हस्तियों की भी इज्जत करेंगे जो इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं, सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। और ये महान हस्तियाँ ऐसी हैं जो कहने को अपने आप को फिटनेस कोच कहते हैं, आर यू कॉमेडी मी, साइंस बेस्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं, और कहने का तो भाई तुम कुछ भी कह लो, अपने आप को मोदी कह लो, पुतिन कह लो, भिखारी कह, सॉरी आई मीन इमरान खान कह लो, कहने में तो देखो भाई टैक्स लगता नहीं है। और इसलिए ये लोग अपने आप को फिटनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि फिटनेस इंडस्ट्री का, स्पेसिफिकली जो यूथ फिटनेस को फॉलो करते हैं, उन लोगों का बेड़ा गर्क करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। और भाई मैं पहले ही इनमें से काफी महान हस्तियों पे वीडियो कर चुका हूँ, तो वापस इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। और वैसे भी जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है फिटनेस की, उनको ये बात तो पता होगी कि इन महान हस्तियों को फिटनेस के बारे में उतना ही पता है जितना राहुल गांधी को पॉलिटिक्स के बारे में। मैं पप्पू हूँ। तो इसलिए आज इनको साइड में रखते हैं और ऐसी एक महान हस्ती में बात करते हैं जो अपने आप को मोस्ट क्रेडिबल यूट्यूबर बताते हैं। उनके काफ़ी फॉलोअर्स ने मुझे उनकी वीडियो भेजी, कहा देखो भाई ये तो बहुत कॉन्फिडेंस से बकवास कर रहे हैं, सॉरी आई मीन बात कर रहे हैं, तो जरूर सच ही बोल रहे होंगे। उसके बाद फिर हेविली मार्केटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नो फैप, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स यूजलेस, आज भी 400-500 साल पुरानी बकवास चल रही है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आज भी स्प्रेड करी जा रही है, इतनी अनपढ़ता है, इनको दो चार नाम याद हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद या निकोला टेस्ला या स्टीव जॉब्स, इनको दो चार नाम याद है, इनको लाखों वो नाम नहीं याद जो इस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं है या जिन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया, वो भी उतने सक्सेसफुल हैं। इन भाई साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि किसने इन्हें कहा है ये कि सिर्फ ब्रह्मचार्य फॉलो करके आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ में? किसी ने नहीं कहा, अपने मन से ही बोल रहे हैं। और जहां तक दूसरे लोगों की बात है, चाहे आप ब्रह्मचार्य फॉलो करें या ना करें, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में जो पॉर्न देखकर, रोज पॉर्न देखकर, जैसा कि मोस्ट यूट्यूबर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि रोज आप देखें, रोज आप मैस्टरबेट करें, वो तो नॉर्मल है। एक बंदा आप दिखा दीजिए जो ये चीज रोज करता हो और सक्सेसफुल हो। और सबसे जरूरी दोस्तों कि किसी भी बंदे ने, जो लोग ये चीज फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग मी, कोई भी नहीं कहता कि आपको ब्रह्मचार्य को जिंदगी भर फॉलो करना है। मोस्ट लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 25 साल तक ये चीज फॉलो करें, क्योंकि दोस्तों 25 साल तक एक आदमी का दिमाग प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, और 15 से 25 साल, अब तो मैं कहूँगा 13 साल भी, क्योंकि मोस्ट लोग 12-13 साल की उम्र से ही पॉर्न देखना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में, जो कि बहुत शॉकिंग है। और जब वो ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि मैस्टरबेशन या पॉर्न नॉर्मल है, आपको ये चीज़ तो करनी ही चाहिए, ये एक हेल्दी हैबिट है, तो वही यंग लोग, यंग टीनेजर्स, जिनको शायद इतनी नॉलेज ना हो, जो पहले ही एक वल्नरेबल एज में है, और जब वो ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बकवास और बात करते हैं अपनी वीडियोस में, तो वो जाने अनजाने में मैस्टरबेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर मैस्टरबेशन के साथ ऑब्वियसली ऐड ऑन होता है पॉर्न का, पॉर्न के साथ ऐड ऑन होता है सिंपिंग का, लड़कियों के पीछे भागने का, और धीरे धीरे वो इस सर्कल में फंस जाते हैं। और ये कहानी दोस्तों हर दूसरे टीनेजर की है। मोस्ट टीनेजर्स का आज की तारीख में जो एम है वो यही है कि हमें एक लड़की फंसानी है। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है मैस्टरबेशन से, पॉर्न से। और इसलिए सबसे आसान तरीका ये पता लगाने का कि कौन लोग, कौन से आपके दोस्त मैस्टरबेशन या पॉर्न एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं, वो यही है कि आप उनके इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग लिस्ट देखिए। अगर फॉलोइंग लिस्ट में आपको मोस्टली लड़कियाँ दिखती हैं, 90% लड़कियाँ दिखती हैं, स्पेशली जो संस्कारी लड़कियाँ हो गई, लाइक संस्कारी पूनम, संस्कारी सोफिया, तो गारंटीड आपका दोस्त मैस्टरबेशन एडिक्शन से सफर कर रहा है। तो जो ये इकोसिस्टम है पॉर्न, मैस्टरबेशन, सिंपिंग का, जिसमें यंग लड़कों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लड़की पटाना ही उनकी लाइफ का गोल है, लड़की पटाना एक अचीवमेंट है,
उसकी शुरुआत ऑब्वियसली ऐसे यूट्यूबर से होती है जो ये बताते हैं कि पॉर्न देखना, मैस्टरबेट करना ये तो नॉर्मल है, ये तो सारे करते हैं। और इनफैक्ट अब तो मैं ऐसे पेरेंट्स देख रहा हूँ, ऐसी मदर इंडिया को देख रहा हूँ जो अपने बच्चों के लिए ऐसी सीरीज ला रही है, ऐसी वीडियोस ला रही है। आई वॉज वेरी ओपन विद माई चिल्ड्रन, वॉट एवर रीजन ही केम टू मी एंड सेड आई हैव गॉट अ बाइट वाइस, सो आई थॉट वो ड्रग्स में तो नहीं चला गया, सो ही सेड आई वॉच पॉर्न फिल्म्स रेगुलरली, आई कैन नॉट गो विदाउट इट। शाबाश बेटा। सो आई सेड फाइन, ठीक है। देन आई मूव द टीवी इनटू हिज रूम, ठीक है। आई सेड आई विल गेट द डिस्क फॉर यू, but the condition is whenever I am in the house then only you'll watch it. So there was a lending library in close to our house, so I went there, opened an account for myself, theek hai, bacche ke liye nahi bola, myself. I used to get the things for him, then he used to watch it and I used to return it, and itna common sense to hai ki he'll be masturbating at that time. Pyari samajh gayi. Dekho yaar, agar mother of the year ka award hota to main zarur in aunty ji ko deta. और वैसे इनका पर्सनल मैटर है, ये कुछ भी करें अपने बच्चे के साथ, कुछ भी दिखाएं उन्हें, बट क्योंकि इन्होंने ये चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोली है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बोली है जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ चुके हैं, तो इसलिए ये चीज़ से बहुत लोग मिसगाइड होंगे, बहुत पेरेंट्स कूल दिखने के लिए, प्रोग्रेसिव दिखने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। और ऐसे वो पेरेंट्स की बातें सुनकर मुझे इस बात पर और यकीन हो जाता है कि हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है बर्बादी की तरफ। क्योंकि देखिए, जिस देश में ब्रह्मचार्य का जन्म हुआ, जिस देश ने दुनिया को ब्रह्मचार्य से इंट्रोड्यूस कराया, उसी देश के पेरेंट्स हमारे कल्चर को छोड़ के ब्रह्मचार्य के बारे में सिखाने की जगह अपने बच्चों को वो दे रहे हैं उन्हें पॉर्न डीवीडीज, वो उन्हें अमेरिकन कल्चर के बारे में सिखा रहे हैं। क्योंकि जो एंटी सेक्स कैंपेन चला रहे हैं पीछे से यही अपना प्रॉफिट सेक्स के थ्रू कमा रहे हैं। किसी को भी देख लो, जितने के सारे नाइटफॉल जैसी नॉर्मल चीज को प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसे डिजीज बता रहे हैं, वो उसी से सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं। देखो भाई, मैं पहली बात कोई पैसे कमा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो हमारे देश का यूथ है वो ट्रैक पे आ जाए, एटलीस्ट 25-30 साल तक हर इंसान को ब्रह्मचार्य को पालन करना चाहिए। और जहां तक दोस्तों बिजनेस की बात है, क्योंकि अंकल जी ने कम से कम 10 बार अपनी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है, पहली बात एक खुद अपना बहुत अच्छा बिजनेस चलाते हैं, हर अपनी वीडियो में 10 बार अपनी ईबुक का जिक्र करते हैं। और वैसे सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर लोग रेगुलरली मैस्टरबेट करेंगे, रेगुलरली पॉर्न देखेंगे और जो दूसरी टाइप की चीज़ें होगी जो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन चीज़ों में इंडल्ज होंगे तो किसका फ़ायदा होगा? जो ऑब्वियसली ये धंधा कर रहे हैं लोग, लड़कियाँ, उनका ही फ़ायदा होगा, या जो लोग इस टाइप के बिजनेस को ऑन करते हैं, चलाते हैं? तो ऐसे बहुत लोग हमने रिसेंटली देखे हैं जो बहुत ही मतलब रेप्यूटेड हैं, बहुत ही रेप्यूटेबल बिजनेस कर रहे हैं, बट अचानक से हमें पता चलता है कि ये लोग ऐसी वेबसाइट चला रहे हैं, ऐसी वीडियोस बनाते हैं डेली, बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप इन्हीं चीजों में बिजी रहते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये गलतफहमी है, ही रियली वो इतने हार्ड वर्किंग है, मैं बता नहीं सकती, ही इज सच अ हार्ड वर्किंग मैन। अच्छा, वो निकलते हैं 9:30 को वियान को स्कूल छोड़ के, सीधे जाते हैं ऑफिस, एंड ही कम्स होम समटाइम्स ही इज वर्किंग टिल लाइक यू नो 9:30-10। समझ रहे हो प्लीज, कहां आ गए हम? एक चांदी का तब्बू बना दिया हमको। आर्टिस्ट को होश आ रहा है, कैमरा ऑन करो, शूटिंग चालू करो। जितने यंगस्टर हैं नो फैप का टाइम पास कर रहे हैं ना अपने वहां बैठ के, मेरे अंदर अट्रैक्शन आ गई, तो बेवकूफ हो, जब अट्रैक्शन आएगी तो किससे अट्रैक्शन आएगी? ऑपोजिट सेक्स है ना, ऑपोजिट सेक्स को ही अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो फिर जब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे फिर क्या करोगे? साथ में पतंग उड़ाओगे? इधर यू विल बी इन इंटीमेट रिलेशन विद ईच अदर, जो होगा ही होगा। अब इन भाई साहब को पता नहीं किसने कहा है कि ब्रह्मचार्य लड़के लड़कियों को पटाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट अंकल। फिर बच्चे आते हैं, एडिक्शन हो जाएगी। एडिक्शन बेटा, एडिक्शन इज नॉट अ जोक। दुनिया में जो लोग दारू पी रहे हैं या जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, या तुम्हारे लिए आजकल वो गांजा भी बड़ा फेमस हो रखा है, तो गांजा फूक रहे हैं, वो सारे एडिक्टेड नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये चीज बिल्कुल फ्री है, तो इसका एडिक्शन होना सबसे आसान है, और इससे आपको प्लेजर तो मिलता ही ऑब्वियसली, और जिस चीज से प्लेजर मिलता है उसका एडिक्शन में कन्वर्ट होना बहुत इजी होता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अल्कोहल की या ड्रग्स की, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो इजीली अवेलेबल भी नहीं है, उसके अगेंस्ट काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, एज लिमिट है, तो इसलिए जो पॉर्न हो गई, मैस्टर्बेशन एडिक्शन होगी, वो बहुत ईजी है। और दूसरी तरफ जो ये गांजा फूकना हो गया, स्मोकिंग करना हो गया,
इनका एडिक्शन लगना बहुत मुश्किल होता है। मैक्सिमम यंगस्टर्स हैं वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं कि मैस्टरबेशन क्या होता है, ह्यूमन सेक्सुअल लाइफ कैसी होती है, मैस्टरबेशन का रियल मीनिंग क्या है। कंफ्यूज नहीं अंकल जी, इस चीज से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। और आपके जैसे महान यूट्यूबर जो ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये ऑब्सेशन, ये एडिक्शन और बढ़ रहा है। कोई भी आज की तारीख में ऐसा यूथ नहीं है, ऐसा यंग बंदा नहीं है जिसको ना पता हो कि मैस्टरबेशन क्या है या सेक्सुअल इंटीमेट होना क्या होता है। इतना भाई साहब मीडिया, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे दिख जाता है आज की तारीख में तो। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, इस चीज का ओवर एक्सपोजर दिक्कत है, ना कि कम नॉलेज होना। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम बंदे ने भाई एड में ब्लैक स्क्रीन डाल दी है, क्योंकि देखिए उनका जो नाम है वही स्टूपिड है, नाम में स्टूपिड है। और ऑब्वियसली जो उनकी ऑडियंस होगी वो उनसे बड़ी स्टूपिड होगी, तभी उनको फॉलो कर रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई साहब ने खुद एडिटिंग करी है या किसी और से करवाई है, बट ये चीज जरूर क्लियर हो गई है कि उन्होंने इतनी बकवास करी है वीडियो में कि किसी ने भी उनकी वीडियो एंड तक नहीं देखी। और इसके अलावा भी दोस्तों मुझे काफी ऐसे सो कॉल्ड कूल लोगों की, प्रोग्रेसिव लोगों की वीडियोस दिखी जो कैमरे पर कह रहे थे, अब किया हो नहीं किया हो, बट कैमरे पे कह रहे थे कि मैं ये चीज 6 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ। It was in the first grade. I was 8 and it was in a Ferris wheel. My birthday, she was like, why don't I send you a vibrator? I was like, what do I do with it? She was like, do whatever you want with it. There's no rules about how to use a vibrator. कैसे-कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो इन लोगों ने अमेरिकन कल्चर की सबसे वर्स्ट चीजों को लाइक पॉर्न, मैस्टरबेशन, सिंपिंग, इनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि ये चीजें नॉर्मलाइज्ड है अमेरिका में, तो हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने, पढ़े लिखे यूट्यूबर्स ने कूल दिखने के लिए या अपने आप को थोड़ा वेस्टर्नाइज दिखाने के लिए इन चीजों को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया। और जो लोग ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं या सो कॉल्ड नो फैप को फॉलो कर रहे थे, उनको बता दिया कि ये तो अनपढ़ लोग हैं। और शायद दोस्तों मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भी पहले इन इंटेलेक्चुअल्स को देख के, प्रोग्रेसिव लोगों को देख के ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी ऑलमोस्ट। बट इन द एंड जब मैंने ब्रह्मचार्य को फॉलो करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। मैं पहले कर चुका हूँ इसके ऊपर वीडियो, वापस मैं बात नहीं करना चाहता। मेन बात मेरी यही है कि आप भी मेरी वाली मिस्टेक मत करना, जो मैंने भी ऐसे लोगों को देख कर प्रोग्रेसिव दिखने के चक्कर में, वोक दिखने के चक्कर में इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, इस इकोसिस्टम का पार्ट हो गया, वो मिस्टेक का प्लीज ना करें। और इनफैक्ट हमारे एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं जिनके ऊपर मैंने पहले वीडियोस करी हैं, हमारे रोहित खत्री जी, जो शायद जब 21-22 साल के थे, वो भी अपने चैनल पर मैस्टरबेशन को प्रमोट करते थे, कहते हैं रोज करो, ये मुठ मार के आया हूँ, महीने भर मारी है। बट अब वो शायद 26-27 साल की हो चुकी है, और अगर आप उनकी रिसेंट वीडियोस उठा के देखें तो वो इस चीज के अगेंस्ट है, वो इनफैक्ट नो फैप को प्रमोट कर रहे हैं। अब पता नहीं मुझे वो व्यूज के लिए कर रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं जैसे वो करते हैं अपने चैनल पे, बट हम तो देखें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं लोगों को, हम तो मानते हैं कि बंदा पॉजिटिव चेंज ला रहा है अपने में, तो हम सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने भी अपने जब 22-21 साल में ये चीज करके, रोज मैस्टरबेशन को प्रमोट करके, अब वो नो फैप पे आ गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यंग बंदे के लिए, जो यंग लोग हो गए, उनके लिए डिस्ट्रैक्ट होना इन चीज़ों से बहुत कॉमन भी है और बहुत आसान भी है। और पर्सनली दोस्तों मुझे 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ये चीज़ छोड़े, और इससे ऑब्वियसली मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ चुका है और आगे भी आ रहा है। इसके ऊपर मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ एक वीडियो करी थी, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।